हाय, मेरा नाम है नैना और आज देखें मिक्स दाल ढोकला। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो लाइक और शेयर करें। न्यूट्रिलिशियस मिक्स दाल ढोकला बनाने के लिए लेंगे वही डोसा प्रीमिक्स, जिसकी रेसिपी मैंने यूट्यूब पे डाली है। आप देख सकते हैं मेरे पहले का वीडियो और उससे मैंने अम्बोई डोसा भी बनाया था। 4 कप चावल और 1 कप उड़ीद दाल को पीस कर बनाया अम्बोई डोसा प्रीमिक्स। लेंगे 1 कप मूंग दाल आटा 3/4 कप और बेसन 1/4 कप। ढोकला आटे में डलती सामग्री मिक्सर में एक एक करके डालें। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून शक्कर, 1 टेबलस्पून तेल, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 कप पानी। इसे मिक्सर ग्राइंड करें। देखिए बहुत ही अच्छा झाग आया है, फोम दिख रहा है इस मिश्रण में। उसे हम आटे में डालेंगे जो कि अम्बोई डोसा प्रीमिक्स, बेसन और मूंग दाल का आटा इस मिश्रण के साथ मिक्स करते हैं। देखिए कितना अच्छा झाग आ रहा है। इसे 5-6 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करना चाहिए एक ही दिशा में, और थोड़ा सा पानी बचा है वो भी मैं 2-3 चम्मच डाल रही हूँ। इस तरह का मिश्रण होना चाहिए। मिश्रण का वॉल्यूम भी बढ़ गया है। देखिए अब इसे हम ढक देते हैं 15 मिनट तक। 15 मिनट बाद ढक्कन खोलिए। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं इसमें और अच्छी तरह मिक्स करते हैं। और 1 टीस्पून पानी इसमें डाल रही हूँ मैं और फिर से मिक्स कर रही हूँ। इससे ये मिश्रण हल्का होता जा रहा है। कुकर का बर्तन लिया है मैंने, इसमें मैं तेल लगा रही हूँ अंदर से। अब कढ़ाई में बैठने वाला कोई भी इस तरह का पतीला ले सकते हैं और उसमें इसे तेल लगाना है। मैं कुकर में ये कर रही हूँ तो कुकर में पानी डाला है गर्म करने के लिए। आप कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल के मिक्स कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा हल्दी कम लगा, आप अपने हिसाब से मिक्स कर सकते हैं। तेल ग्रीस किए हुए बर्तन में इस मिश्रण को मैं डाल रही हूँ। पहले लोग इनो डालते हैं फिर पतीली में डालते हैं, पर अभी मैं इसका उल्टा कर रही हूँ। पहले मैं पतीली में ये मिश्रण डालूंगी फिर इसमें इनो डालूंगी 1 सैचे। अगर इनो नहीं है तो 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। इनो डालने के बाद विस्कर से अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसे बचा हुआ मिश्रण डालना है। इस तरह इनो के ऊपर बचा हुआ मिश्रण डालें और वापस मिक्स करें। ऐसा करने पर जाली पकड़ा है, देखिए मिश्रण को। अभी से कुकर के अंदर जाली या स्टैंड इस तरह का डालें, आप कढ़ाई में भी इसे कर सकते हैं। इस मिश्रण के बर्तन को रख के मैंने बिना सिटी का कुकर का ढक्कन रखा है, 15 मिनट स्टीम किया है। देखिए इस तरह से चेक करना है आपको कि ऊपर स्टिकी ना हो। ये स्टिकी नहीं है, फिर भी चक्कू से एक बार चेक करें। नाइफ क्लीन है तो मिक्स दाल ढोकला बराबर हो गया, तो इसे पीसेस में कट करें। वाओ, न्यूट्रिलिशियस मिक्स दाल ढोकला एकदम जालीदार और सॉफ्ट बन गया। ऊपर से तड़का देंगे जो बने, तेल गरम करके उसमें डाले राई, तिल, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, 1/2 चम्मच हींग, 2 चम्मच शक्कर और 1/2 कप पानी। बस इसे डाले बनाए ढोकले पर और इसे उल्टा करें। फिर से इसके ऊपर आधा बनाया हुआ तड़का बचा हुआ डालें और अच्छी तरह टुकड़ों में काट। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को 1 लाइक तो बनता है। बन गया मिक्स दाल ढोकला, न्यूट्रिलिशियस एंड यमी। देखिए बिल्कुल मार्केट वाले ढोकले की तरह ये कितना जालीदार और सॉफ्ट भी है। ये है न्यूट्रिशियस कि इसमें है मूंग दाल और बेसन, उड़ीद दाल और चावल, तो हुआ ना हेल्दी। अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना जालीदार है और सॉफ्ट, स्पंजी और न्यूट्रिलिशियस मिक्स दाल ढोकला। पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स एक ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ।